हेलो फ्रेंड्स, फीफा स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नेवी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम आपको जो डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ वो है MR नेवी का जो क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। आपको यकीन नहीं है तो MR, ठीक है, ये जो पूर्णांक होता है इसका 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। लेकिन अब टाइमिंग में ऑनलाइन होने की वजह से यह 30 मिनट का SSR का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसा आता है, कितने क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने नेवी की साइड से पेपर उठाया है और अब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जब ऑफलाइन पेपर होता था ये वो पेपर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें दो सेशन होते हैं, सेशन ए और सेशन बी। इसमें प्रत्येक सेक्शन की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस चीज़ से आया था। ठीक है, कौन से टॉपिक से आया था ये चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है, पहला जो आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चंस देख सकते हैं आप, लॉस प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी इन्होंने लाभ हानि से रिलेटेड ही पूछा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो चौथा क्वेश्चन पूछा है वो आपसे माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो पांचवा क्वेश्चंस पूछा है वो मूल समीकरण के मूल पूछे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछा है, आप देख सकते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर है और तीसरी भुजा का रेशियो दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चंस। अगला जो क्वेश्चंस पूछा है वो पूछा आपके शंकु से रिलेटेड। ठीक है, कहने का मतलब ये मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। आठवें क्वेश्चंस जो पूछा है इन्होंने त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा है। हम यहाँ पर सिर्फ पेपर के पैटर्न्स को डिस्कस कर रहे हैं, किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक कुछ शर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा कि दो साड़ी हैं, चार शर्टें इतने रुपए में आई, एक साड़ी 6 शर्ट की लागत समान है तो 12 शर्ट का मूल बताओ, लागत बताओ, इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा, 10वां जो क्वेश्चन है, के का मान बताओ, ये दो समीकरण दिए हुए हैं, इसके अनंत हल हैं। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा है। 11वां जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है इसके अंदर इन्होंने इस समीकरण को सॉल्व करवाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस समीकरण को सॉल्व करवाया हुआ है। इसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन जो पूछा है ये एलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है, इन्होंने A B² दे रखा है, AB दे रखा है, AB के मान निकालने के बाद A+B / A-B आपको निकालना है। ठीक है, इसके बाद उन्होंने एक सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन ईजी है। इसके बाद इन्होंने, इसके अंदर दो पैटर्न्स होते हैं, इसके अंदर मैथ्स भी आता है 25 क्वेश्चंस के अंदर और 25 क्वेश्चन के अंदर साइंस। मैथ के 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साइंस में इसके 12 क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं आप। इसके बाद जो 15 ध्वनि की प्रबलता और गहराई निर्भर करती है, 16वां वैद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, 17वां फ्रक्टोज का इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम है, 18वां जो क्वेश्चन है इनमें से फेक का माप कौन सा है। इसके बाद 19वां क्वेश्चंस, थर्मल बोतल जिसमें काफ़ी कॉफ़ी रखी हुई है को पूरी तरह से तेज़ी से हिलाया जाता है, यदि कॉफ़ी को एक प्रणाली माना जाए तो कॉफ़ी का जो तापमान है वो घटेगा बढ़ेगा पहले जैसा रहेगा। 20वां जो क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा पर प्रकोष्ठ बल डालती है, क्या पृथ्वी चंद्रमा पर कोई कार्य करती है।
इसके बाद जो 21वां क्वेश्चन है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में चलने वाली एक वस्तु का कार्य करती है। 22वां क्वेश्चन, पिंड का भार पर शून्य होता है। इसके बाद जो 23वां क्वेश्चन है, जब 10^19 इलेक्ट्रॉन्स को एक उदासीन धातु प्लेट से टकरा दिया जाता है तो वैद्युत आवेश होगा कूलम में। इसके बाद 24वां क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देख सकते हो, गर्म करने पर ठोस सीधा गैस बन जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 2 नेवी MR के अंदर। सेक्शन 2 के अंदर इन्होंने सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस सेक्शन भी, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, ये पूछा है इन्होंने। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेद काल में किसकी पूजा होती है, इंद्र की होती है, विष्णु की होती है, सूर्य की होती है, त्रिमूर्ति की होती है। इसके बाद इन्होंने अगला जो क्वेश्चन पूछा है वो है एलोरा का महानतम ऐतिहासिक स्थल जो 7वीं शताब्दी के उत्तराधार का है हिंदू देवता को समर्पित है, कौन से देवता को समर्पित है, कहने का मतलब ये है विष्णु को है, शिव को है, गणेश को है, कृष्ण को, किसको समर्पित है, जो 7वीं शताब्दी में जो मंदिर बना था एलोरा का वो किसको समर्पित है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। इसके बाद 5वां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि NH4 किन दो शहरों को जोड़ता है, मुंबई नागपुर को जोड़ता है, मुंबई चेन्नई को जोड़ता है, बेंगलुरु मैसूर को जोड़ता है, नागपुर हैदराबाद को जोड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर छः के अंदर भारत की प्रथम विद्युत चलित रेल डक्कन क्यून किन दो शहरों के बीच चलाई गई, मुंबई सूरत के बीच चलाई गई, हावड़ा दिल्ली के बीच चलाई गई, नई दिल्ली चेन्नई के बीच चलाई गई, कल्याणपुर या पुणे के बीच चलाई गई, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 7वां जो क्वेश्चन पूछा है वो ललित कला अकेडमी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुणे है, कोलकाता है। इसके बाद इन्होंने जो 8वां क्वेश्चन पूछा हुआ है नेवी MR के अंदर कि भाई सिंधु स्थल पाकिस्तान में है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल जो है पाकिस्तान में, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोतल है, आलमगीर है, कौन सा है। इसके बाद इन्होंने इसराइल अधिग्रहण के विरोध में, ये एक करंट का क्वेश्चन था 9वां। 10वां जो क्वेश्चन था ये एक पुस्तक का नाम पूछा गया है। इसके बाद इसके अंदर 11वां जो क्वेश्चन था वो था मधुमेह रोग किसके कारण होता है, चीनी के कारण होता है, इंसुलिन के कारण होता है, कैल्शियम के कारण होता है या विटामिन के कारण होता है, जो मधुमेह रोग होता है। इसके बाद इन्होंने एक ये फिर भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लैंड ऑफ मिडनाइट मैन भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद अक्री गैस की खोज किसने की, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है अक्री गैस से केमिस्ट्री में। इसके बाद 14वां क्वेश्चन एक फिजिक्स का क्वेश्चन है कि जब जो प्रेस होती है गर्म करने वाला तत्व है कौन सा है, प्रेस में गर्म करने वाला जो तत्व लगता है वो क्रोमियम लगता है, टंगस्टन लगता है, ताम्र लगता है, लोहा लगता है। इसके बाद इन्होंने जो 15वां क्वेश्चन है वो मणिपुर की राजधानी क्या है। 16वां जो क्वेश्चन पूछा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, ठीक है। इस इन्होंने जो 17वां क्वेश्चन पूछा हुआ है एक है फुल फॉर्म, FAO की फुल फॉर्म पूछी हुई है। 18वां क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक जैसे कि खिलाड़ी का नाम पूछा है, इन्होंने एक खिलाड़ी का नाम हर नेवी के क्वेश्चन में पूछा जाता है, चाहे वो हॉकी से रिलेटेड भी हो सकता है, क्रिकेट से रिलेटेड भी हो सकता है, किसी से रिलेटेड भी हो सकता है। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है 19वां जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा है, वर्ल्ड हिस्ट्री से, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो 20वां क्वेश्चन पूछा है वो सबसे बड़ा और पुराना अजायब घर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने सबसे लंबा महाकाव्य कौन सा है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, इनमें से कौन सा है, ठीक है। इसके बाद 22वां जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने ये पूछा है कि जैसे कि कप है, क्रिकेट में हम वर्ल्ड कप खेलते हैं,
ठीक है, T20 खेलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे हैं इन्होंने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक खिलाड़ी का नाम पूछा है, रीटा सेती किससे रिलेटेड है। फिर शतरंज में ग्रैंड मास्टर कौन है, 24वां क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। 25वां क्वेश्चन, पोलो का खेल कौन से भारतीय राज्य में का खेल है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो की शेयरिंग करें। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, टाटा।